वैकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं कि रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। इस आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन ये है, बिहारी, भूषण, देव, घनानंद। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप देखिए कलम और पेन ले लो और अभ्यास करो, देखो आपके कितने सही कितने गलत। तो यहां पर बच्चों नंबर का ऑप्शन सही होगा, बिहारी, कवि बिहारी जो रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। ये 2017 में पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? ऑप्शन देखिए, भूषण, भिखारीदास, रघुराज सिंह, कृष्णदास। आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहां पर जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कृष्णदास, नंबर घा ऑप्शन से होगा कृष्णदास। अगला क्वेश्चन, मोबाइल की स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर यह है कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ऑप्शन दिखाए जाए, भूषण, आचार्य केशवदास, आलम, कृष्णदास। टाइम आपका शुरू। तो यहां पर बच्चों नंबर जो है, यहां पर बच्चों नंबर खा ऑप्शन से होगा आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीति काल में लिखी गई है? ऑप्शन दिखाया जाए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यह है, साकेत, विनय पत्रिका, विहारी सतसई, पृथ्वीराज रासो। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों नंबर ग ऑप्शन से होगा बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? हम सभी रासो के नाम ले रहे हैं, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। आपका टाइम शुरू। तो आपका जो है सही आंसर होगा यहां पर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि निम्नांकित में वीर गाथा काल में लिखित कौन सी रचना है? ऑप्शन दिखाया जाए, मोबाइल भैया आप ऑप्शन दो इनको, रसविलास, ललित ललाम, कवित रत्नाकर, संदेश रसिक। टाइम आपका शुरू। यहां पर सही आंसर आपका होगा संदेश रसिक, संदेश रसिक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आया, देखिए, आदिकाल का एक अन्य नाम है, मोबाइल भैया आप इनको ऑप्शन दिखाओ, स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। आपका टाइम शुरू। तो यहां पर बच्चों सही आंसर होगा सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल टिक किया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आया कि काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका भक्ति काल। अगला क्वेश्चन, मोबाइल भैया इनको दिखाया जाए कि सूफी काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन दिखाया जाए इनको, नानक, रैदास, जायसी, तुलसी। आपकी टाइमिंग शुरू।
यहाँ पर बच्चों सही आंसर होगा जायसी। जायसी जो है सूफी काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, मोबाइल भैया इनको दिखाइए। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन दिखाया जाए, सूरदास, जायसी, तुलसी, मीरा। टाइम आपका शुरू। तो यहां पर सही आंसर होगा जायसी, जो प्रेमाश्रयी शाखा के मेन कवि हैं, मुख्य कवि हैं। तो यहां सही आंसर होगा आपका जायसी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा गया कि निम्नलिखित में रीति मुक्त कवि कौन है। ऑप्शन दिखाया जाए मोबाइल भैया इनको, महाकवि देव, आलम, मतिराम, पद्माकर। टाइम आपका शुरू। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा आपका आलम। आलम इसके सही आंसर है आलम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी युग में लिखी गई थी। ऑप्शन देखिए, प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्रधार, सुर सारावली। आपका टाइम शुरू। तो इसका सही आंसर होगा चित्रधार। इसका सही आंसर होगा चित्रधार। आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाया जाए मोबाइल भैया इनको, दूसरा क्वेश्चन दिखाइए। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है। ऑप्शन स्क्रीन पर आपकी, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण। आपकी टाइमिंग शुरू। तो इसका सही आंसर होगा आपका मानवीकरण। मानवीकरण आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया कि रीत काल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता, नीति। आपकी टाइमिंग शुरू। तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोबाइल भैया इनको दिखाया जाए कि प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता है। ऑप्शन दिखाया जाए, प्रकृति वर्णन, नवीनता के प्रति आग्रह, अतिशय भावुकता, विद्रोह व क्रांति। आपकी टाइमिंग शुरू। इसका सही आंसर होगा नवीनता के प्रति आग्रह। यही प्रयोगवाद की विशेषता है, नवीनता के प्रति आग्रह। इसके बाद इनको अगला क्वेश्चन दिखाया जाए कि इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन है। ऑप्शन देखिए, रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास। टाइमिंग आपकी शुरू। यहां पर सही ऑप्शन होगा आपका पृथ्वीराज रासो, नंबर सा, पृथ्वीराज नंबर गा, नंबर गा, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आपको मालूम भी होगा, लेकिन आइडिया आइडिया कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है इनमें से। तो नरेंद्र शर्मा, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों अज्ञेय आएगा, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नई कविता की आधारभूत विशेषता है। ऑप्शन दिखाया जाए, यह वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, परम ब्रह्म का छायाभास, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। टाइमिंग आपकी शुरू। यहां पर बच्चों
आपका नंबर का ऑप्शन से होगा, वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है, यही नई कविता की आधारभूत विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है। देखो चार दिए गए, इसमें तीन आदिकाल के कवि लेकिन एक नहीं है। ऑप्शन देखिए, सारंगधर, जगन्नाथ, सुमित्रा नंदन पंत, चंदवरदाई। आप आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहां पर बच्चों नंबर ग ऑप्शन सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत, ये जो है आदिकाल के कवि नहीं है। तो ये है किसके, ये है छायावादी कवि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आया, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है विनय पत्रिका, उद्धव शतक, वैदेही वनवास, छत्रसाल, दशक। आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहां पर बच्चों उद्धव शतक, यह उद्धव शतक आपका जो है ऑप्शन सही होगा। बच्चों पेपर बड़े मन से देना, क्योंकि बहुत ही टाइट पोजीशन है इस समय, है ना। आप लोग पहली बार यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, तो इसलिए बहुत तैयारी कर लीजिए। हमारे एसपीजी क्लासेस में जा करके हर प्रकार की वीडियो हमने डाल दिया है, उसका अभ्यास करो, सुनो, तो आपकी तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। बावरा अहेरी, सुनहले सहवाल, इत्यलम, रेणुका। आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहां पर बच्चों रेणुका जो है अज्ञेय जी की रचना नहीं, बाकी तीनों रचनाएं जो है अज्ञेय जी की हैं, रेणुका नहीं है। तो रेणुका है किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन आया कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रीय, नई कविता। आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहां पर बच्चों नंबर खा ऑप्शन से होगा, प्रगतिवाद। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि थे। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, है ना, तो आपके जरूर नंबर यूपी बोर्ड में अच्छे आएंगे। अगर कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो नंबर जरूर आएंगे आपके। धन्यवाद।